क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन 23.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ पर ही लोकेटेड है, या फिर आर्कटिक सर्कल एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ पर ही क्यों लोकेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी टिल्टेड एक्सिस में सन के अराउंड रिवॉल्यूशन की वजह से सीजंस बदलते हैं। हेंस जून में समर सोल्स्टिस के दौरान जब अर्थ यहां होती है तो अर्थ का नदन हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सनरेज 90 डिग्री एंगल पर हिट करती है, यानी कि सन 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ओवरहेड होता है। फिर सितंबर में अर्थ यहां पहुंचती है। इस पोजीशन में दोनों हेमिस्फीयर्स सन से बराबर दूरी पर होते हैं और सनरेज 90 डिग्री के एंगल पर इक्वेटर पर पड़ती है। इसके बाद अर्थ यहां पहुंचती है और अब सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका होता है, और इसीलिए सनरेज 90 डिग्री का एंगल 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर क्रिएट करती है।